हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ ढाबे स्टाइल छोले की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये मैंने 1.5 कप छोले लिए हैं जिनको पूरी रात भीगने के लिए छोड़ दिया था। मैंने मसाले लिए थे वो मैं आपको बता देती हूँ। नमक स्वाद अनुसार 1/4 चम्मच मैंने हल्दी ली है। ये हमारा हरा धनिया है। 3 मैंने टमाटर लिए थे जो मिक्सी में बारीक पीस लिए हैं। 1 मीडियम साइज़ मैंने प्याज ली थी जो बारीक चॉप कर ली है। 1 बड़ी चम्मची धनिया पाउडर, 1 छोटी चम्मची छोले मसाला, 1 चम्मची लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, आधी छोटी चम्मची गरम मसाला। ये मैंने कस्तूरी मेथी ली है। ये हमारी 4 से 6 लच्छे हैं अदरक के। 4 मैंने हरी मिर्च बीच में से कट कर दिया है। छोलों को उबाल लेते हैं। ये मैंने कुकर में छोले डाल दिए हैं। ये मैंने थोड़ी सी चाय पत्ती ली थी और उसको एक कॉटन के कपड़े में बांध लिया था जिससे कि हमारे छोलों में कलर आ जाए। नमक डाला है मैंने आधी छोटी चम्मची, क्योंकि हम छोलों में भी तड़के के टाइम नमक डालेंगे तो इसलिए मैंने इस टाइम थोड़ा कम नमक डाला है जिससे कि हमारे छोलों में थोड़ा नमक का फ्लेवर आ जाए बस। अब हम अपने कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे और 5 से 6 सीटी आने देंगे। अब हमारी सीटी आ चुकी है। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी और एक बारी अपने छोलों को चेक कर लूंगी कि छोले अच्छे से पके हैं कि नहीं। अब मैं अपने छोलों को चेक कर लेती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे छोले अच्छे से पक चुके हैं और हमारे छोलों में कलर भी आ चुका है। अगर आपको छोले में थोड़ा ज़्यादा कलर चाहिए तो आप उसके लिए सूखा आंवले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम कलर चाहिए था तो मैंने वो लिया था। अब मैंने अपना पतीला गैस पर रख दिया है। अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल दूंगी। अब मैं इसमें थोड़े अजवाइन डालूंगी। अब हम इसमें डाल देते हैं अपनी प्याज जो मैंने बारीक चॉप कर ली थी। मीडियम साइज मैंने प्याज ली थी 1। अब हम इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। हमारी प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी अपने, और इसमें ही मैं अपने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दूंगी। 1 बड़ी चम्मची मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया था वो मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से चला दूंगी। अब मैं इसमें अपना मसाला डाल दूंगी जो भी मैंने लिया था, लाल मिर्च, गरम मसाला, धनिया, अमचूर पाउडर, छोले मसाला, नमक, ये सब चीज़ें। और इसको भी अच्छे से चला दूंगी सारे मसाले को डालने के बाद। अब मैं इसमें कस्तूरी मेथी भी डाल दूंगी। मैं कस्तूरी मेथी बाद में नहीं डालूंगी, मैं पहले ही अपने मसाले को भूनते समय ही कस्तूरी मेथी का भी इस्तेमाल करूंगी। अब मैं मीडियम आंच करके और इस पर ढक्कन ढक दूंगी। 5 से 7 मिनट अपने मसाले को पकने दूंगी। अब 5 से 7 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा मसाला भून चुका है, तेल ऊपर आ चुका है मसाले से। अब हम इसमें अपने छोले डाल देंगे। छोलों में हमें अलग से पानी नहीं डालना है। जो भी हमारे छोलों में पानी होगा उबलते समय वही पानी हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमें ग्रेवी वाले छोले बनाने हैं तो इसलिए हमें पानी का कोई इस्तेमाल नहीं करना है। अब हम इसका ढक्कन बंद करके इसको पकने देंगे 5 से 7 मिनट और। अब आप देख सकते हैं हमारे छोले बन चुके हैं। अब मैं गैस को बंद कर दूंगी। अब मैं इस पे अपने गार्निश के तौर पे हरा धनिया डाल दूंगी।
और जो हमने अदरक के लच्छे बनाए थे वो डालूंगी। जो हमने 4 हरी मिर्चें ली थी, मैंने आपको बताया था उसको बीच में से कट कर लिया था मैंने, वो हरी मिर्चें, और हमने एक टमाटर लिया था जिसके स्लाइस कर लिए थे, उन गार्निश के तौर पे यूज़ करूँगी। ये छोले आप पूड़ी, भटूरे इन सब के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।